उसका स्मरण करते हुए हर कार्य संसार का करना है हमें, और उसकी सेवा समझ के, मेरे प्रभु की सेवा समझ के अपने कार्य करना है, तो अपन उन कर्म से बंधन में भी नहीं आएंगे। वो एक भजन में पूरा होते हैं, कर्मो जग मा करता रहिने आसक्ति ने छोड़ो रे, कर्मो जग मा करता रहिने आसक्ति ने छोड़ो रे, भूतानो सब स्वार्थ तजीने पर उपकारे छोड़ो रे, भूतानो सब स्वार्थ तजीने पर उपकारे ऐसा क्या वो रहा
से आप वहीं ठहर गए, या ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चीजें समझ में आई जिससे हम इस चीज में आज एक सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य रूपी जीव के रूप में इस धरती पर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम भारतवर्ष में पूरे विश्व में एक ईश्वर की पूजा होती है, सब अलग अलग प्रकार से एक ही प्रकार से हम भी एक ही ईश्वर की पूजा, पर हमारे पास इतना हमने कुछ बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जब हम भारतवर्ष में पैदा हुए थे कि हमारे यहाँ पे ईश्वर कण कण में, हर चीज में ईश्वर, गाय माता है, कन्या पूजनीय है, करोड़ों देवी देवता हैं, मतलब वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के बहुत बड़े पुण्य हैं जब हम इस धरती पे हैं, भारतवर्ष की धरती पे। तो कुछ तो हम लोग ऑलरेडी लेके आए हैं, अब जो बचा खुचा थोड़ा सा पार्ट है जो इस जीव से बाहर निकलने के लिए है, और जिसको हम इस हमारी गृहस्थी या व्यावहारिक ज्ञान व्यवहार में अलग अलग प्रकार से उसमें इन्वॉल्व होके उस मार्ग को छोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिससे सरलतम मार्ग में ये ध्यान के विषय में जो दादा ने इसमें लिखा था, इसमें बहुत कुछ हमारे बारे में सही लिखा है, पर सरलतम भाषा में इसको अगर जैसे अपन बोला जाए तो जीवन जीने के लिए मोटे तौर पे हम जो हमारी दैनिक जीवन दिनचर्या है, या खिड़की बंद कर, जोर से बोलो, कार्यक्रम चल रहा है, जोर से ग्रामीण परिवेश में मुख्य रूप से सभी को समझ में, सबसे बड़ी बात मैं जानकर मैं समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरलतम मार्ग मेरे हिसाब से जो चीजें हम लोग हमारे अंतर मन से जानते हैं, इसमें लिखा है तीन चीजें, अंतर मन की शांति, आनंद और प्रेम, जो हमारे अंतर मन के विराजित जिसको हमने रोक रखा, और किन कारणों से रोक रखा है उसके लिए भी लिखा है दादा ने, तो उसके लिए जो लिखा है वो लिखा है कि ईर्ष्या, द्वेष, राग, वैराग, पसंद, नापसंद, भय, शोक, चिंता, मान सम्मान, हार जीत, इन्हीं भावनाओं के बीच में हम हमारा जीवन पूरा के पूरा निकालते हैं, और इन सब चीजों के साथ में हमें सब चीजें हमको खुद को हमारे अंतर्मन को मालूम होता है कि हम ये गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, जैसे महिलाओं के साथ होता है, पंड्या जी की कथा में गया था, दो घंटे सुना बहुत अच्छा हुआ, महिलाएं हमेशा सत्य बोलती हैं अपने मन से, अगर कोई महिला दूसरी महिला सुंदर निकली तो उसको बराबर बोलेगी कि उसको बहुत अच्छी लगती है, सत्यता। पर हम मनुष्य मनुष्य में भेद करना सीखते, हम सकारात्मक जीवन जीने के लिए आए हुए होते हैं, जब हम पढ़ाई करते होते हैं तब आप देखो कितनी पॉजिटिविटी होती है, हम उस पढ़ाई करने के दौरान हमारा खेल में मन लगता है, छोटे बच्चे होते हैं हमारे खेल में मन लगता है, मेरे को तो खेलना है पापा, इन लोग बोलते पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करना मेरे को तो खेलना है, तो वहाँ देखो हमारे छोटे से बच्चे की पॉजिटिविटी कितनी,
साथियों में पढ़ता है, वो बच्चा पांचवी क्लास में पढ़ता है, छठी क्लास में पढ़ता है, और उसमें नकारात्मकता जैसा कोई विषय नहीं, नकारात्मकता उसके दिमाग में ही नहीं। गीता ने बोला एक घंटे बैठना है, बोलेंगे आज के वो उसके मन में पॉजिटिविटी इतनी है कि मैं आज नहीं पढ़ा, चलो कल दो घंटे, कल भी खेलने में मन चला गया, आज दो दिन हो गए नहीं पढ़ा, चलो कल चार घंटे पढ़ूंगा, ये सब खराब हो गया। पॉजिटिविटी लेट करना है पर पॉजिटिविटी नहीं जा रही उसे, नकारात्मकता नहीं आ रही उसे। सात दिन हो गए, सात दिन बाद भी कुछ नहीं, सात दिन खेला हो तो क्या हुआ, एक दिन में सब पूरा कर, तीन महीने हो गए परीक्षा आने वाली है, अरे बैठूंगा बिल्कुल पढ़ लूंगा, पॉजिटिविटी उसमें, उस छोटे से बच्चे में उस क्षमता है, उसको मालूम है कि मैं ये सब करूँ कि स्कूल तो रोज जाता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, तो उसमें वो पॉजिटिविटी है बिल्कुल। तीन महीने बाद तीन माह परीक्षा हुई, उसमें डब्बा गोल हो गया, फिर भी पॉजिटिविटी से बाहर नहीं आता, उसमें तब भी पॉजिटिविटी है, नहीं अभी नहीं किया तो क्या हुआ, छः माह की परीक्षा में तो मैं इन सबसे आगे निकल जाऊँगा। अपन अपन ट्रेन में जाते हैं तो सामान जरूर के पास वही होता है, उसको बारे में देते हैं, क्योंकि अपने मालूम है कि ट्रेन साथ में जा रही है, सामान भी नहीं है क्या, पर अपन जैसे ऐसे संसार का जो पूरा बोझ है ना वो अपने सिर पर रखते थे, अपने को ये विश्वास जिस दिन हो जाएगा भगवान अपना सब योग से हम मतलब ये जिस दिन अपने को पक्का विश्वास हो जाएगा तो फिर अपन भूजा संसार का लेकर नहीं चलेंगे, और इतनी आसक्ति अपनी नहीं दूरी करनी, अपन मतलब ट्रेन ऑटोमेटिक ले जाती है, और अगर अपन चाहे तो अटैची को सिर पर रख के बैठे ट्रेन पर, पर अपन संसार की यात्रा कर रहे हैं, रेल यात्रा इसमें तो अपने सिर पर रख के ही चल रहे हैं, अपन यही चल रहे हैं, अपने रोजा उठाने वाला हूँ, करता मैं हूँ क्या, ये भाव अपने पक्का कूट कूट के भरा हुआ है, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं चला जाऊँगा तो घर का क्या होगा, फलाना क्या होगा, इस तरह से मतलब अपने को कूट कूट के भावना भरी गई, करता अपन ही जबकि करता हूँ नहीं, कैसे नहीं करता। जो सूरदास जी ने बोला कि मतलब करी गोपाल की सब हुई, जिन अपनों पुरुषार्थ मानो अति झूठो है सूर्य, करी गोपाल की सब से हुई, मतलब जिसने अपना पुरुषार्थ माना वो झूठा है, मतलब करने वाला तो झूठा है, और वास्तविकता में भी है, वास्तविकता में भी आप क्या है, मतलब कूदता सब कर लो, सब अरेंजमेंट कर लो कर लो, एक क्षण में आपकी सांस गई कि काम खत्म होता, आप क्या करता ना क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को हम जानते हुए भी कोई बात है, हम सब जानते हुए भी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, कोई जब तक ये इसमें मूल चीज़ ये है, मूल वस्तु ये है कि अपने प्रभु का पूर्ण भरोसा होगा अपने को और पूर्ण समर्पण होगा तभी अपने ये स्थिति आती है। अब इसमें यह जरूर है कि मैं भी कोई उस स्थिति में नहीं हूँ, पर ये बात जरूर है कि अपन इसका मतलब ये नहीं कि अपन पढ़ना छोड़ दें, अभी डेली क्लास पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे, चौथी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या, तो ये तो समर्पण के लिए, कोई कहते कि समर्पण एक दिन में आ जाए तो समर्पण आता नहीं, उसकी प्रैक्टिस मतलब करो आप, मतलब भगवान के ऊपर छोड़ते जाओ, समझ में आती जाएगी अपने को, जितनी जितनी समझ में आएगी उस हिसाब से अपना समर्पण बढ़ता जाएगा, वो समर्पण ही रास्ता है, इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं। जितने भी ज्ञानी लोग ज्ञान की बातें करते हैं, पर ज्ञानी लोगों की ज्ञान की बातें से रास्ता नहीं आता, कारण ये है, कारण ये है कि हम सब देह भाव में जीते, सब देह भाव में ही जीते, भले लाख अपन कहते थे मतलब मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सब समझता हूँ, बाकी अपन जीते हैं देह भाव में, देह भाव में जाते कि वहाँ तक हम और ईगो अपना कायम है, वो कायम जाने को हम और ईगो भगवान में विसर्जित नहीं होगा, वहाँ तक कुछ भी होना नहीं होता, ये तो बात पक्की है कि भगवान में पूर्ण समर्पण होगा, उसी दिन पूर्ण स्थिति आपकी आएगी, वो समर्पण का है, इसका मतलब ये भी नहीं छोड़ कर यार पूर्ण समर्पण था, तो आप जैसे बने से धीरे धीरे मतलब उस हाँ अभ्यास करो, अभ्यास करो बार बार माया का पर्दा, इसलिए मतलब मैंने तो बस एक ही बात पत्र में जो जी की बार बार वो आती है दिमाग के अंदर, तो उन्होंने लिखा कि भाई आप घर से एक कदम भी बाहर निकलो तो भगवान का नाम लेते हुए, आप दूध दूध पानी पी तो भगवान का नाम लो, आप ग्रास ग्रास खाओ तो भगवान का नाम लो, हर कार्य करो तो भगवान का नाम लेकर करो, मतलब तो यहाँ भगवान मतलब आपका जीवन धीरे 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 उधर आप समर्पित होता जाएगा, मतलब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएगा और जब जब आपको बात समझ में आएगी तो तभी आपका वो जीवन उस तरह से आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ लाड़वा नथी,
सरकार लेके आया है तो उसी हिसाब से नहीं है वो तो मेरे को समझ में आता है पर मेरे को ये कठिन मार्ग लगता है। कठिन कैसे हो? मुझे ये कठिन मार्ग लगता है, ये कान ऐसे पकड़ने वाला मार्ग लगता है। इतना सरल मार्ग नहीं है, सरलतम मार्ग को हमने पेचीदगी वाला बना रखा है या सिर्फ अपना मन समझाने के लिए बना रखा है। मन समझाने के लिए हमने बना रखा, हम ऐसे ही जी के चले भी जाएंगे। प्रभु सेवा, प्रभु मिले हमें, ऐसे प्रयास हम करते ही जीवन में बोलते बोलते चले जाएंगे, हम ऐसे प्रयास करते ही नहीं बोलते रहे। मेरा तो ये कहना है कि हम ऐसे प्रयास ही नहीं, क्योंकि ये हमने इतना कठिनतम मार्ग के आधे सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, भगवान को मानने की सबकी अपनी अपनी, किसी से मेल नहीं खाए, पत्नी से मेल नहीं खाएगी, हमारे बच्चों से मेल नहीं खाएगी, बच्चों को हमारी पॉलिसी मेल नहीं खाएगी। क्या होता है राम, अपना मार्ग जो बाबी ने बताया, आप लोग रूपा ने बताया, सब सब देख के चलते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि अपन अभी आज के ज़माने में जो देख रहे हैं तो उसे लोग वो बिल्कुल जैसे श्री श्री रविशंकर वाले या विपश्यना वाले या और भी कोई, तो उनके वो शिविर लगाकर उन्होंने एक शेड्यूल टाइम बनाया और उस तरह से वो करना और वो करना और वो करना और इस तरह से, तो अपन भी वो अपना माइंड उधर जाता है ऐसा अपने कुछ होना चाहिए जो अपन ऐसा करें, ऐसा वो नहीं। मैं उस तरफ नहीं जा, फिर आप मेरी पूरी बात सुनो, फिर बोलिए। अभी इसका मेरे को जैसा सरल तो मार्ग लगता है, तो अगर हम सभी लोग हम जीव हैं ना, ये सब चीज़ें जानते हैं कि हमें अच्छा ही है क्या, हमें बुराई है, हम बुरा बोलते हैं किसी के लिए तो मन में आ जाता है कि मैंने उसकी बुराई करी, मन में आता वह करी तो कर, फिर अहंकार आता है पॉइंट आउट तो होता है। एक सासू है, वो जब तक माँ है, बच्ची है, बच्ची वो ससुराल नहीं, माँ सलवार कुर्ती पहनती है, मेरी बच्ची सबकी माँ को सब प्रकार की छूट, पर बहू है तो डंडा चलना शुरू, कर्तव्य नहीं है, माँ कर्तव्य नहीं, बेटी के लिए कर्तव्य याद है, ये सब छोटी छोटी चीज जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान में हम लोगों को आती, हम अगर हमारे जीवन को सुधारने का प्रयास है, जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे मन से निकलती हैं, हमारे मन से हम करते हैं, हमारे मन से करते हैं सब, वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमको बार बार पिंच करती है, हम आदतन हो गए फिर भी आखिरी तक पिंच करते हैं, हम 40 साल से आदतन है उस चीज़ को फिर भी पिंच करती है कि मैंने इसको गलत बोला, बोला तो इतनी बड़ी 40 साल बाद भी वो चीजें पीछे, ऐसा नहीं कि निकलती, हर वक्त बताता है ईश्वर, हर वक्त बताता है कि हम ऐसा करते हैं, हम मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज समझ में आती है, डॉक्टर को भी सब चीजें समझ में आती है, किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपना अंतर्मन बोलता ही है। तो ये सरलतम मार्ग मेरे को ये नजर आता है कि जो चीजें जो विकार है हमारे बीच में, उन विकारों को धीरे धीरे हम कम करने का प्रयास करेंगे, तो हमें न माला जपने की जरूरत है, न दर्शन करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक हम उस रास्ते पर पहुंच जाए। तो मेरे को ये ज़्यादा सरल तो मार्ग लगता है कि हम जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, हम जैसे मैं अभी मेरे ऊपर ही लेकर बच्चों की जननी का कार्यक्रम हुआ, बच्चों की जननी का कार्यक्रम रखा बड़ा अच्छे से हुआ, बड़ा बोले सभी लोग, बोले अच्छा किया कार्यक्रम, बोल रहे हैं सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, वहाँ हमारा एक मनुष्य वो देता भी है कि सामने वाले से वो सब पैसा बनाता है, मेजबान पूछता है, बहुत
बाहर जैसे गेट के बाहर निकला, गेट के बाहर गया होता पोकट को पैसे होने बाहर ही होता है, डंगो नहीं होता। खिलावा को मान दे तो डंगे होने की दो मिनट पहले मन से बोल के गया था कि बाहर गेट के बाहर मन से कहाँ मन से सही बोलता था क्या दोनों जगह झूठ बोलता था? वास्तव में दोनों जगह झूठ, मुझे बोल के गया वो भी झूठ और बाहर बोल के गया वो भी झूठ, दोनों झूठ, क्योंकि वहां उसको अपना हम आया नीचे, वो दो मिनट बाद बोला वो वहां उसके हम ने उसको ऐसा बोला और अंदर जो बोला शिष्टाचार बोला छोटी छोटी सी चीजें हैं, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा निंदा, छोटी छोटी सी चीजें नहीं तो वो तो वो तो उसके पहले की बात हुई। आपने इसके क्या सोचा, आपको क्या रिएक्शन रिएक्शन आया? नहीं ये तो उसकी बात हो, उसने जो कह दी पर आपके ऊपर क्या रिएक्शन आया और आपको आपको इसमें क्या रखना, क्या करना चाहिए, क्या सोचना, आपने क्या सोचा? वो तो कह गया इस तरह का बताई लोग हां मिलेगा जगत में मिलेगा बहुत चीजें सामान्य रूप से अतिशयोक्ति नहीं आप बताओ मैं बता रहा हूँ आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है मुझे ये सब चीज़ें मालूम है, मुझे ये सब चीज़ें पहले से मालूम है, हमने यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ, इतने लोग कार्यक्रम करने का माध्यम है, जब प्रयास करते थे तो कई लोग चिंतित होते थे कि बोले कि कार्यक्रम जो कार्यक्रम टाइम वेस्ट करें तो पैसों भी वेस्ट करें तो आरोपी की फालतू में पैसे उदाहरण होना है, बस नाम करना है बताना मेरे अच्छा बात है, ये मैं खुद सोचता वास्तव में और मैं तो सब चीजें हर व्यक्ति की कल्पना मुझे मालूम होती जिनसे मैं सजीव संपर्क होता और मैं संपर्क उन्हीं लोगों से करता हूँ जिन लोगों से मुझे अच्छा लगता, वास्तविकता मेरे मन में ऐसा कभी क्षण भर भी ख्याल नहीं, मेरे मन में ख्याल आता है जब मेरी बहुत तारीफ की जाती विवेक भाई मैं कभी न किसी की तारीफ करता हूँ न किसी की बुराई करता पर मेरे को बुराई करना नहीं आती ऐसा नहीं, मेरे को तारीफ करना नहीं आती ऐसा भी नहीं, रमेश भाई पूरे करना है तो रमेश भाई का मैं भी करूँगा, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उनको बुरा करना धन्ना भाई को भी और पीठ पीछे भी बोलता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता, हमारे कोई सुधारने के लिए आया नहीं, मैं किसी को सुधारने के लिए आया भी नहीं हूँ और मेरे मन में ये जरूर बोलता है मैं जब किसी काम को करने जा रहा हूँ या कोई कार्यक्रम जैसे मेरे घर में मैं ये सब चीज़ें पहले से समझता हूँ कि हम खुद जो मेरा जैसे भाई काका का लड़का है जिसके पग पग पे मैं साथ में खड़ा हूँ, एक समय ऐसा मन में आता है भाव क्या मैं जो जीवन भर इसके साथ में खड़ा था काका का जब मेरी बार आई किसी के पास समय नहीं तो मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं और जो कार्यक्रम करने जाता हूँ ना उसके लिए मेरे पास प्लानिंग भी नहीं, प्लानिंग के साथ मेरा संचय भी नहीं, सामान्य रूप से जैसा सभी लोग करते हैं वैसा मैं नहीं करता, सामान्य रूप से अपन पहले से तय होता है मकान खरीदना है तो अपने को मकान खरीदने के लिए जिन लोगों का सैलरी होती है तो उनको
तय समय सीमा है उनके पास, मेरे को 50,000 रुपये महीने मिलता है और मेरे को मकान भी बनाने थे, तो मैं अगर 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना इसमें से बचाऊंगा तो 4 साल में इतना बचेगा, तो 4 साल में इतना बचेगा तो मेरे पास कम से कम 6-7 लाख रुपया हो जाएगा। और उस समय में आज मकान की कीमत मान लो कि 6 लाख रुपये, तो उस समय 10 लाख का बनेगा और उस समय मेरे पास 6 लाख रुपये इकट्ठे लेंगे तो 2-3 लाख का लोन लेंगे, 11 लाख रुपये इधर उधर लेंगे कर मेरे साथ शायद भगवान की कृपा है कि मैं शायद ये भी पानी दे मेरे दिन जीवन में शेड्यूल भी नहीं, हमारी शेड्यूल भी नहीं, सुबह उठता भी नहीं जल्दी, भगवान की कभी पूजा भी नहीं करती, फिर भी लोग मेरी तारीफ करते हैं, वो तारीफें भी सुन के मेरे को लगता है कि गलत दिशा में जा रहा हूँ, बार बार लगता है। और जो लोग भी बोलते हैं कि नहीं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, या जैसे छोटे से बच्चे हैं वहाँ पर नाश्ता करते करते बोला आज बड़ा टेस्टी पोहे बने, किसी ने बोला कि आज आप रुचि बहुत ज़्यादा करते, प्रथम दृष्टि में हंसी आती है, प्रथम दृष्टि हंसी इसलिए आती है मैंने हाँ मैं बोल दूंगा उसको, मेरे को खुद को लगता है स्वाद मेरी जीवन का जैसा है ऐसा नहीं बना है तो निश्चित तौर पर वो अच्छा नहीं बना है, तो उस चीज के ऊपर ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा इतना नीरस बना है कि मैं मेरा पेट ही नहीं करूँ, ऐसा तो बहुत कम लोग करते होंगे, लेकिन नहीं आज तो मैं खाने ही नहीं खाऊंगा, वो तो आनंद है जैसा भी है कोई आज भगवान ने उसमें उसको शक्कर की जगह नमक डालने का बोल दिया तो उसके हाथ से नमक कर लिया। एक वो एक व्हाट्सएप पर भी चलता था बीच में कि किसी की जन्म पत्र या राशिफल में लिखा सेठ की कि आज तुम्हारा ग्रह कलेश होगा, तो ग्रह कलेश होगा तो वो जो करना बिल्कुल, तो उसके यहाँ पे 2-3 लड़के उसके पत्नी भी उसकी तो उस दिन घर में आज तो घर में झगड़ा हो, तो घर में उसके मालूम अकेले सिर्फ उसके राशि फल में लिखा हुआ कि मेरे घर में आज ग्रह कलेश होगा, तो वो चुप करना कि अपने को आज ग्रह कलेश नहीं हो इसी व्यवस्था करनी, तो उसके यहाँ सब्जी बन रही है दाल बन रही है तो उसकी पत्नी ने बनाई, उसने सब मसाला वसाला डाल दिया, उबलने रख दी, बहू आई बहू ने देखा कि सब तो हो गया है मसाला वसाला, नमक तो बाद में डालते हैं चलो मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ, उसके बराबर नमक को बहू ने डाल दिया, दूसरी बहू आई उसने देखा मम्मी जी कर गई है नमक डालना बाकी रह गया हो ऐसे चलो मैं भी नमक डाल नमक हो गया ठीक हूँ। वो सेठ को तो मालूम था कि आज ग्रह कलेश के योग थे, लिखा था राशि था उसको भगवान ने चेता दिया था पहले से कि आज ग्रह कलेश के योग है, खाना खाने बैठा पत्नी ने खाना परोसा, खाना खाते से मुंह में निवाला जाएगा और चौकन्ना था, चौकन्ना इसलिए था कि अरे ग्रह कलेश से बचना है, 3 गुना नमक खा के खाना खा के निकल गया। देखो ये जरा सी कहानी है पर बहुत कुछ सीखा, उसके बाद दुकान से पिताजी गए दुकान पे सेठ के यहाँ दुकान बड़े बेटे को भेज दिया अपने दादा को भी खाना खाए, बेटे ने मिलना निवाला लिया उसको नहीं मालूम कि पिताजी के राशिफल में लिखा हुआ, सेठ जी ने किसी को बताया उसने सिर्फ खुद का राशिफल पढ़ा कि मेरे राशिफल में लिखा है कि आज ग्रह प्रवेश नहीं हो गया, वो तो खाई आए बड़ा बेटा है
बड़े बेटे ने खाया, उसकी पत्नी ने परोसा खाना। अब क्या होना चाहिए, बड़ा कलेश होना चाहिए। उसने सबसे पहले एक प्रश्न किया, बोले पिताजी ने खाना खा लिया? बोले हाँ पिताजी ने। बोले कुछ बोले नहीं? वो भी चुपचाप पूरा खाना खाने बोले जो पिताजी की क्यों ना खाना खाना खा सकते, तुम्हें क्यों नहीं खा सकते? तीसरे बेटे की बात है, दूसरा बेटा है, उसने भी आगे पूछा खाना केला गोवा खाया तो बहुत भयंकर नमक, बोले पिताजी ने खा लिया? भाई ने खा लिया? कुछ बोले? मैंने कुछ नहीं बोले। वो भी कुछ नहीं बोला, पूरा खाना खाया। वो तीनों महिला एक साथ बैठे खाना खाते, आपस में बात करते हैं। बोले वो आज तो बड़े प्रेम पूर्वक तुम्हारे पिताजी खाना खा के गए, सेठ जी की पत्नी सब। बोले हाँ आज भाई आपके बड़े बेटे तो बहुत अच्छे से, उसकी पत्नी उनसे बातें करते करते बोलते। बोले बस यूं पूछा था कि पिताजी ने खाना खा लिया? मैंने बोला हाँ खा लिया। तो सिर्फ अकेले व्यक्ति का सिर्फ इतना सा राशि योग होना उस अंदर को किस रूप में मिले, तो ये सब चीजें हमारे समझ में। तो सरलतम मार्ग को पूछने का प्रयास कर रहा था, मेरे ऊपर आ जाएंगे तो बहुत सारी बातें। अब जीवन चल रहा है, छोटी छोटी चीजें से अभाव अप्रतीम और अनंत प्रेम।
वो अब आप किस तरीके से उसको करते हैं, किस तरीके से आप उस प्रेम का संपादन करते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरा नियम मैं आपके ऊपर लागू नहीं कर सकता, आपका नियम जो है मैं किसी तीसरे के ऊपर लागू नहीं। भगवान ने भी इस बात को कहा है तो मैं आपको बताता हूँ। भाई भैया ने प्रश्न पूछा था, उसके समय मैंने निकाला कि साधनाओं की साधना युगों का युग, भाषा थोड़ी कठिन लेकिन समझ में आ रही होगी आपको, और तपो का तप है अपने इष्ट के प्रति तेज धारा और अपनी असीम प्रेम। जैसे आपने कहा था ना कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्ट, वही बात, तो अपने इष्ट के प्रति तेज धारावत अपनी असली प्रेम, यह प्रेम ही अध्यात्म व अंतर यात्रा के द्वार खोलने की चाबी है। यह प्रेम ही अध्यात्म व अंतर यात्रा के द्वार खोलने की चाबी है। श्री प्रभु के श्री वचन है, श्री प्रभु के श्री वचन है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। प्रेम प्रभु न स्वरूप से, प्रेम प्रभु न स्वरूप से, अने प्रेम मां गरकाव थवाथी प्रभु मां गरकाव थे जवाय छे। प्रेम में डूबे तो भगवान में डूबे, जेम बने जेम बने तेम प्रेम मां हजू वधारो थवानी जरूर छे, प्रभु ते तमने आशीष रूपे। कहने का मतलब ये है कि आपका सर्वोत्तम मार्ग जो है वो ये है कि भाई आपका प्रभु के प्रति अनंत असीम प्रेम आप संपादन करो, अपने मन में पैदा करो, और यदि आपने अपने प्रभु के प्रति असीम अनंत प्रेम पैदा कर लिया है तो फिर आप किसी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट हो चुके, आप उनसे बिल्कुल जुड़ चुके हैं, आपका हाथ उन्होंने पकड़ लिया। और इसलिए यदि आप जब भी किसी गलत रास्ते के ऊपर कदम बढ़ाएंगे तो वह आपको खींचेगा, क्योंकि आप उस प्रेम का प्रत्युत्तर तो वो देंगे। इसीलिए अपने आरती में भी कहा गया है कि सौथ की भक्ति मोटी, भक्ति थकी बुजुर्गी भक्ता रूपी, भक्ति थकी भक्ति के माध्यम से प्रेम के माध्यम से प्रभु भक्ता रूपी। तो ये मतलब है कि प्रेम आपके मन में हो प्रभु के प्रति, वो किसी भी तरीके से आप एक बार प्रणाम करके उस प्रेम को प्रकट करें, आप खूब लंबी की पूजा करते हो, आप आरती में बहुत सारे बेन जो हैं ये पूजा करते हैं, और पूजा करते समय ये भजन में इतने समाधि लग जाते हैं, पूजा करते जाते हैं और भजन गाते जाते हैं, इनको कहीं आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनका कहीं हो रहा है मैंने देखा, तो मैंने कहा ये कहीं समाधि लग गई, फिर वो पूजा करते जा रहे हैं भजन गाते जा रहे हैं और उसमें डूबे हुए। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है, और सरलतम क्या है भगवान का प्रभु ये है, उसका आप चित्र लगा रहे हैं, उसका आप स्नान करवा रहे हैं, उसके ऊपर आप चंदन से श्रृंगार कर रहे हैं, सरल है, इसमें क्या करते हैं, लेकिन उसमें एक समझ नहीं हुई, क्योंकि ये जो है भजन गाते जा रहे हैं और इनको कोई होल्ड नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये है मतलब कि आप प्रेम तो सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान के वचन भी है, और उस प्रेम को आप किस ढंग से प्रकट करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे दिले भाई कभी पूजन में भी बैठते हैं, कभी आपकी टाइम मिला तो खड़े हो गए, भजन कभी मैंने इनको बैठ कर भी डाल चुके, ये भजन के टाइम पर, लेकिन
के मन में भगवान के प्रति जो प्रेम होगा वो मेरे से किसी प्रकार का कम होगा मैं नहीं मानता। इनका ये इनका अपना एक अलग ढंग है, इनका एक अपनी अलग तरीका है। तो इस तरह से मैं तो यही कहूँगा कि इसके बारे में अपन कोई नियम तो नहीं बना सकते कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा हो। सिर्फ आपके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, आपको जो अच्छा लगे वो सबसे सरल है। ये हमारे जो है ये जो है भगवान की सेवा करने हैं, बिल्कुल माला बना रहे हैं, कई माला बनाने में कोई ध्यान ही नहीं है कहाँ कहाँ क्या और क्या है भगवान पे हो। तो ये इनका तो हाँ हर एक अपना अपना तरीका है। और मैं स्वार्थी आदमी, मैं भगवान की पूजा करते करते मैं चार काम दूसरे भी सलता था। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पास में बैठा लेता हूँ, मैं भगवान की सेवा करता रहता हूँ, फिर पढ़ाते भी सर क्या करो जो इंदुबेन आप बताएं इस विषय में आपका सरलतम मार्ग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कभी सरलतम मार्ग नहीं है आपके सेवा करने के लिए भी हो जाते हैं।